फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये है बॉर्डर एरिया के टोल गेट है मेरे पीछे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन कुंभर, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल गुलशन व्लॉग्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर शहर में रहता हूँ, तो बेंगलोर शहर का कर्नाटक स्टेट एंड तमिलनाडु स्टेट का मैं बॉर्डर दिखाऊंगा। तो देरी ना करते हुए व्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कर्नाटक एंड तमिलनाडु का बॉर्डर। फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ मेरा रूम से और अभी मैं जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और आज तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग 10:15 का टाइम है, मौसम भी आज ठीक ठाक है और चलते हैं अभी। फ्रेंड्स, ये है अतिवाली एरिया। फ्रेंड्स, ये है अतिवाली एरिया। यहाँ पे कर्नाटक स्टेट का BMTC बस लगा हुआ है और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा टोल गेट। कर्नाटक का टोल गेट है अतिवाली एरिया। कर्नाटक का ये अतिवाली एरिया में पड़ता है, अतिवाली एरिया का ये लास्ट टोल गेट है, उसके बाद बॉर्डर गिर जाता है। और मैं आप ये देख सकते हैं अभी ये टोल गेट है मेरा पीछे। चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है, आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये है पोस्टर लगा हुआ है कन्याकुमारी 625 किलोमीटर, कोयम्बटूर 323 किलोमीटर एंड चेन्नई 313 किलोमीटर। ये रोड सीधा जाता है, ये पूरा मेन हाईवे है पूरा। और उसका पीछे बिल्कुल देख सकते हैं ये है जो बना हुआ है, ये बॉर्डर एरिया है।
एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू कर्नाटक। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये है वो एरिया बॉर्डर, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू कर्नाटक। ये बॉर्डर का उस पर चले जाएंगे तो तमिलनाडु आता है, और बॉर्डर का इस एरिया में आएंगे तो कर्नाटक स्टेट आता है। अभी आप लोगों को मैं दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ, ये है दूसरा साइड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं जूम करके दिखाता हूँ कर्नाटक वेलकम लिखा हुआ है। ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो कर्नाटक एंड तमिलनाडु का बॉर्डर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। फ्रेंड्स ये वीडियो में आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।